सो हेलो गाइस, आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल की नई वीडियो। मेरे चैनल का नाम है आशकाश और आज आप देख रहे हैं हमारी एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में भाई गाड़ी लाया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कार जो कि अपने इंडिया की नंबर वन कार, मतलब जिस सेल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर वन कार है भाई अपने इंडिया में, जिसका नाम भाई मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, द न्यू स्विफ्ट 2021। तो भाई 2021 वाला स्विफ्ट का वेरिएंट है ये। तो ये है भाई अपना LXi वेरिएंट, समझ सकते हैं इसका टायर देख के भाई ये LXi वेरिएंट है स्विफ्ट का। आज इसका रिव्यू करने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे से शुरू करें तो भाई सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल एक बल्ब मिलेगा, जो कोई भी इसमें प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, टॉप मॉडल की लाइट्स लगाती है और ये बेस मॉडल LXi है। कोई भी आपको इसमें नीचे फॉग लाइट्स नहीं मिलेगी, ग्रिल आपको इसकी ऐसी कुछ मिल जाएगी। साइड लुक के बारे में अगर बात करें तो भाई बिल्कुल प्लेन भाई गाड़ी, नॉर्मल सिंपल गाड़ी है। नीचे आप देख सकते हैं भाई कोई भी अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते आपको, ना व्हील कवर मिलेंगे। डोर हैंडल्स है वो भाई बॉडी कलर की जगह आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, मैट ब्लैक फिनिश में। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई गाड़ी का इंटीरियर, कोई भी स्टीरियो नहीं मिलता भाई इसमें आपको, स्टीरियो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, तो मारुति सुजुकी आप कंपनी का प्रेफर कर सकते हैं। पीछे का गेट आपको खोलने का भाई बड़ा ऊपर को जो नया ये निकाला है, जो ऊपर से आपको यहाँ से गेट खोलना पड़ेगा पीछे का। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर इसमें आपको पावर विंडोज़ वगैरह नहीं मिलती, नॉर्मल आपको इसी से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, जो आपका ये हाथ से मतलब मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं आप विंडोज़ को। पीछे से आप देख सकते हैं भाई पीछे से इस कार की लुक ऐसी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी कुछ लाइट्स आपको मिल जाएंगी भाई, लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं पीछे से इसकी अगर देखें असली में। तो ये है कुछ इसका बूट जो कि शायद अभी लॉक हो रखा है, वहाँ से खुलता है आगे से ये। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल बिल्कुल सिंपल कार है, लेकिन तब भी देख लो ये चीज़ कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने, ये आपको चार आपको रिवर्स लोगे अगर आप कार तो आपको चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं यहाँ पर। ये चीज़ मेरे ख्याल बेस मॉडल से ही प्रोवाइड कर रही है मारुति सुजुकी और हर कार में शायद ये आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मतलब जिससे पता लगता है ना कि आपका ये बेस वेरियंट है वो है भाई ये इंडिकेटर जो यहाँ पर दिया हुआ है फेंडर पर, फेंडर वाला इंडिकेटर भाई ये। अगर इससे ऊपर आप VXCI वगैरह में जाते हो तो इंडिकेटर आपको भाई यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसका आपको भाई यहाँ मिलता है। ये नीचे देख सकते हैं डोर प्रोटेक्टर टाइप लगा हुआ है एक ये। चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर आप देख सकते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं सीट पीछे करूँगा। हाँ, आपको बूट खोलने का देखो यहीं पे ऑप्शन मिला हुआ है, बूट आप यहीं से खोल सकते हैं। सबसे पहले भाई कार के अगर अंदर बैठ के बात करें तो भाई ये एक हैचबैक है और हैचबैक के हिसाब से बेस्ट कार है भाई। देखो यहाँ पर आपको ये सब बटन्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ये AC वेंट मिल जाएंगे इसका। इसमें सबसे बुरी चीज़ भाई यही है जो आपको इसका है ना टैकोमीटर, वो नहीं मिलता आपको भाई देखने को, मतलब RPM वाला। और उसके बिना भाई कार चलाने का मज़ा आता है नहीं आता, मैं वो कमेंट में बताना चाहूँगा। ये है भाई आपका स्टीरियो की जगह, मतलब सिंगल डिन की भाई जगह दी हुई है इसमें, मतलब आपको कोई भी डबल डिन की इन्होंने स्पेस नहीं दी। अगर आप चाहते तो इसको आप पूरा कटवा के लगवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आपको इसके AC मिलते हैं यहाँ पर, नॉर्मल AC मिलता है वो तो हर मॉडल में मिलता ही है आपका। देख ग्लव बॉक्स मिल जाएगा नॉर्मल सा भाई, और थोड़ी ठीक ठाक स्पेस ही मिलती है इसमें आपको। ये आपके भाई AC वेंट्स देखो कितने प्यारे लगते हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो AC वेंट भाई बड़े प्यारे लगते हैं रियलिटी में अगर देखें इनको। अगर ये आपका डबल इंडिकेटर लाने अगर हेजार्ड लाइट्स इनको बोलते हैं तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और भाई नीचे देखो ऐसे कुछ गियर पेडल्स आगे से इंजन खोलने के लिए, और ये देखो अच्छे लगता है भाई देखने में वैसे तो ये। और बाकी आप देख सकते हैं भाई पूरा ब्लैक इंटीरियर है कार का, कहीं पर भी इसको बेज कलर में यूज़ नहीं करा हुआ। बेज कलर का भाई एक नुकसान भी है, बड़ी जल्दी ही गंदा पड़ता है वो कलर। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई यहीं पे वो सेम वही डोर मिल जाता है आपको पीछे भाई, अगर पूरी पीछे अगर करके बैठो उसके बाद अगर मैं बैठूँ तो भाई थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन तब भी काम चला हुआ है यार। अगर इतना पीछे तो कोई करेगा भी नहीं जितना मैंने करा हुआ था, बहुत ज़्यादा पीछे कर लिया था मैंने। एक बार ही आपको इसका बूट चेक करा लेता हूँ। तो यहाँ से ये फ्यूल वाला खोलने का है और ये बूट खोलने का है, मैंने बूट अनलॉक कर दिया, देखते हैं बूट खुलता है या क्या होता है। भाई यहाँ से देख सकते हैं ये आपका बूट हो गया अनलॉक। भाई काफ़ी कॉम्पैक्ट सी कार है यार, मतलब मज़ा आ जाता है उसको अगर दिल्ली ऐसी रोड पर अगर आप चलाओ ना भाई, बहुत मज़े दे देती है ये कार। माइलेज के मामले में बात करो, पावर के मामले में बात करो, ये देखो ऐसा आपका बूट उठ जाएगा ऊपर को, और आपकी जो बूट स्पेस है आपको इतनी कुछ मिल जाती है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कितने लीटर का बूट स्पेस है ये। और काफ़ी अच्छा है भाई, कॉम्पैक्ट कार है तो उसके हिसाब से बेस्ट है। आप इसमें वूफर वगैरह रखना चाहो या आपके आराम से 4 या 5 सूट के आराम से आप इसमें डाल सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। अभी बूट को बंद करते हैं भाई, ये देखो बूट बंद करने के लिए भी ये दिया हुआ है आपको।
ये हो गया भाई बूट बंद। इस कलर का नाम है भाई मैग्मा ग्रे, मैग्मा ग्रे कलर है भाई। ये जो मेरी अर्टिगा का भी है, मेरी अर्टिगा आप देख सकते हैं वो सामने खड़ी है भाई। हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो इंजन इसका आप यहाँ से खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम इसका आपको इंजन दिखाते हैं कि 1200 cc का इंजन मिल सकता है यहाँ पर आपको, जो मारुति ने प्रोवाइड करा है। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं ये है भाई इसका इंजन, ऐसा कुछ आपको दिखता है इंजन में भाई। देखो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, नीचे देखो आपको पूरा कवर्ड इंजन मिलेगा यहाँ पर। आप अगर आप कुछ लगवाना चाहते हो तो इसमें वो लगवा सकते हैं भाई। देख लो काफ़ी अच्छा जो है, अच्छे तरीके से इस कार को सजाया हुआ है मारुति सुजुकी ने। तो भाई सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको इसमें स्पीकर नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्पीकर के लिए स्पेस आपको मिल सकती है। ये आपको डोर गैप हैंडल मिल जाएगा आपको, ये इसमें कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह भी नहीं मिलती है, भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पावर विंडोज़ नहीं है, इसको आपको मैनुअली हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप ये कर सकते हैं भाई। फ्रंट में भी कोई पावर विंडो नहीं है, देख लो अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो भाई आप इस कार को ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऊपर के मॉडल्स लेने हैं तो ऊपर के मॉडल्स भी आप ले सकते हैं भाई। देखो ऐसी कुछ लुक है इस कार की, बढ़िया लगती है भाई कार मेरे को ना, कॉम्पैक्ट अपनी दिल्ली के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कार भाई। TR सोनी मोटर्स का नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये कार परचेज़ करनी है। आपको इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा भाई, जो पूरा सब कुछ मिला के इंश्योरेंस वगैरह टैक्स वैक्स सब मिला के वो पड़ेगा 6,40,000 की आपको ये पूरी कार पड़ेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।